This is Luqman Hakim, your instructor. Welcome to YouTube channel. तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मीडिया रिलेटेड है, कि मीडिया का हम पे इन्फ्लुएंस किस तरह होता है, वो हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। आज की हमारी जो थ्योरी है वो है मैजिक बुलेट थ्योरी, या इसे हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले किसने पेश किया? इसको प्रपोज बाय हॉरल्ड लॉज़वेल। हॉरल्ड लॉज़वेल ने ये थ्योरी पेश की। इसमें उसने क्या किया है, ये एक लीनियर कम्युनिकेशन थ्योरी है। लीनियर कम्युनिकेशन थ्योरी का मतलब ये है कि हम पे कम्युनिकेशन किस तरह असरअंदाज होता है, हम किस तरह मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो चलो हम इसको एग्जांपल से अच्छी तरह सीख लेते हैं इस थ्योरी को, कि इस थ्योरी का मकसद क्या है। अगर आप ऊपर देखें तो इस थ्योरी का नाम मैजिक बुलेट थ्योरी भी है। लॉज़वेल कहता है कि मीडिया बहुत ही पावरफुल वेपन है। इस पावरफुल वेपन का मतलब यह है कि मीडिया जो है वो मैजिक बुलेट को फायर करता है। किस पे फायर करता है? अपनी ऑडियंस पे फायर करता है। तो मैजिक बुलेट से मुराद यहाँ पे इंफॉर्मेशन या मैसेज है, कि मीडिया क्या फायर करता है, इंफॉर्मेशन और मैसेज फायर करता है, ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? ऑडियंस को। और किस तरीके से? बुलेट की शेप में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बुलेट लगती है तो पेनेट्रेट हो जाती है, सीधा अंदर घुस के चली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि मीडिया भी जो इंफॉर्मेशन हम पे फायर करती है, जो इंफॉर्मेशन हमें पहुंचा देती है, हम उसे सीधा इंजेक्ट कर लेते हैं, उसे सीधा अंदर ले जाते हैं और उसे मान लेते हैं बिना किसी रिसर्च किए बगैर। इस तरह इस थ्योरी का नाम हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी है। जिस तरह मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया ये मीडिया का, कि ये मैजिक बुलेट फायर करते हैं, इस तरह अगर आपको कोई सिरिंज इंजेक्ट करता है तो सीधा आपके अंदर चला जाता है और फैल जाता है और आप पे उसका असर होता है। तो इस तरह ये इंजेक्शन जो है ये क्या है, मीडिया है। और ये क्या इंजेक्ट करता है? इंजेक्ट इंफॉर्मेशन। ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट करता है। किस पे इंजेक्ट करता है? ये जो ऑडियंस होते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उस पे इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट कर लेते हैं। और जो ही ये इंजेक्ट कर दे हैं तो ये हम सीधा मान लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो मीडिया का हम पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, हम आम जिंदगी में देख लेते हैं कि जो बात मीडिया पे आती है, हम कहते हैं कि ये फलां न्यूज़ में इस तरह आता, ये इस तरह है, हम उस पर रिसर्च नहीं करते। यहाँ पे फिर दो बातें आती हैं। ये तो वैसे नो इंडिविजुअल डिफेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, हर किसी पे फायर करता है, हर किसी में इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट कर लेते हैं। मगर एक पॉइंट याद रख ले, हमारे पास दो किस्म की सोसाइटीज होती हैं। एक होती है एक्टिव सोसाइटी और एक होती है पैसिव सोसाइटी। मतलब सुस सोसाइटी जो क्वेश्चन वगैरह को अराइज नहीं करती, जो सोसाइटीज या वो लोग जो क्वेश्चन को अराइज नहीं करते, तो वो मीडिया उनके अंदर इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से इंजेक्ट कर लेते हैं और उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं। इस तरह जो एक्टिव सोसाइटीज होती हैं या एक्टिव पीपल होते हैं, उस पे उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं कि ये किस तरह हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस जब अराइज होते हैं तो फिर मीडिया का इन्फ्लुएंस उन पे कम होता है, तो फिर मीडिया उनके लिए और भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, और इसका रिजल्ट ये है कि हम जो भी बात सुनते हैं तो हम उसे फौरन नहीं मान लेंगे, हम उसके पीछे रिसर्च कर लेंगे, चाहे वो मीडिया का हो या वैसे भी हो। तो उम्मीद है कि लेक्चर का मज़ा होगा और समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।